हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज लेक्चर नंबर 10 ऑन 22B. 22B के अंदर पढ़ेंगे हम ड्यूटीज ऑफ द जस्टिस ऑफ पीस, कि जस्टिस ऑफ पीस जो है उनकी ड्यूटीज क्या है, आज वो हम डिस्कस करेंगे. वैसे तो ये जो हमारे पास है 22B जो है ना, वो एडमिनिस्ट्रेशन है इन नेचर. ठीक है, वैसे 22A जो है ना, वो भी एडमिनिस्ट्रेटर और मिनिस्टेरियल इन नेचर होता है, मगर फिर भी हमें वो ऐसा लगता है कि वो हमारे पास एग्जीक्यूटेबल है. ठीक है, एग्जीक्यूटिव इन नेचर है, मगर ऐसा नहीं है, मगर फिर भी वो हमें काफ़ी प्रैक्टिकल में काम आता है, तो फिर उसको हम एग्जीक्यूटिव इन नेचर समझ लेते हैं. आइए तो इसकी हम बैरिडिंग कर लेते हैं कि जस्टिस ऑफ पीस की ड्यूटीज़ क्या है. जस्टिस ऑफ पीस अंडर सेक्शन 22B, ड्यूटीज ऑफ द जस्टिस ऑफ द पीस सब्जेक्ट टू सच रूल्स एज मे बी मेड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट. जो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने रूल बनाए हैं उनके मुताबिक, उनको देखते हुए, एवरी जस्टिस ऑफ द पीस फॉर एनी लोकल एरिया शल, जो भी जस्टिस ऑफ पीस हैं किसी लोकल एरिया के लिए जो मखसूस हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, ऑन रिसीप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द अक्यूरेंस ऑफ एनी इंसिडेंट इन्वॉल्विंग अ ब्रीच ऑफ द पीस. कोई भी ऐसा वाकया हुआ हो, कोई भी ऐसा अक्यूरेंस हुआ हो, ठीक है, जो कि हमारे पास जस्टिस ऑफ पीस या फिर पीस का ब्रीच करता हो या फिर वायोलेशन ऑफ द पीस करता हो, ठीक है, तो फिर क्या कर सकता है, आर ऑफ द कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस विद इन सच लोकल एरिया फोर्थ विथ मेक इंक्वायरीज इनटू द मैटर एंड रिपोर्ट इन राइटिंग द रिजल्ट ऑफ हिज इंक्वायरी टू द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट एंड टू ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन. अब जो भी इनके अंदर इन्होंने वो इंक्वायरीज की, ठीक है, अगर ऐसा कोई वाकया है तो फौरन ही उन पर वो इंक्वायरी करेगा, ठीक है, और इंक्वायरी करने के बाद एक राइटिंग में एक रिपोर्ट बनाएगा, और जो नियरेस्ट जो मैजिस्ट्रेट हैं, मीन्स नियरेस्ट जो इलाका मैजिस्ट्रेट हैं उनको पेश करेगा, और जो पुलिस स्टेशन है ना, जो इंचार्ज ऑफिसर होता है पुलिस स्टेशन का, वहाँ पर ये पेश करेंगे. ठीक है, बी में कहता है, इफ़ द ऑफेंस रेफर्ड टू इन क्लास ए, जो क्लास ए में जो ऑफेंस बताया गया है उसको लेकर, ठीक है, उनके मुतालिक इज़ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, और वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, वो काबिल समात ऑफेंस है, मीन्स कोई हीनियस टाइप का ऑफेंस है जिसको कोर्ट क्या कर समझती है कि ये कॉग्निजेबल है, मीन्स काबिल समात है. तो आल्सो प्रिवेंट द रिमूवल ऑफ एनी थिंग फ्रॉम, अब जो भी बीच में कोई चीज़ आ रही है उनको रिमूव कर देना, उनको हटा देना वहाँ से, ठीक है, वो कैसे, आर द इंटरफेरेंस इन एनी वे विथ द प्लेस ऑफ अक्यूरेंस ऑफ द ऑफेंस. अब कोई भी चीज़ अगर बीच में आ रही है या फिर कोई भी इंटरफेरेंस आ रहा है उस रास्ते में जहाँ पर ये ऑफेंस हुआ है, उस वहाँ पर पहुँचने के लिए जस्टिस ऑफ पीस जब जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल सबसेक्शन हमारे पास 22B के सबसेक्शन 1A के तहत अगर कोई ऑफेंस हुआ है, फॉर एग्जांपल A के तहत ऑफेंस हुआ है कहाँ पर, कराची में, ठीक है, कराची में इस जगह पर ऑफेंस हुआ है, और ये जो हमारे पास इलाका, जो हमारे पास जस्टिस ऑफ पीस है, वो यहाँ पर हैं. अब इन्हें यहाँ पर जाना है जहाँ पर ऑफेंस हुआ है, मीन्स अक्यूरेंस पर, एट द प्लेस ऑफ अक्यूरेंस, जहाँ पर ये वाक़या हुआ है. अब जस्टिस ऑफ पीस जहाँ से जहाँ तक जाने में, अगर बी में ये कहता है कि अगर जो भी रास्ते में मुश्किलात आएगी, जो भी इंटरफेरेंस आएगी, उसको रिमूव कर दिया जाएगा वहाँ पहुँचने के लिए. आरी बात समझ में, जहाँ तक बात क्लियर है. उसके बाद हम चलते हैं सी पर. सी कहता है, वेन सो रिक्वायर्ड इन राइटिंग बाय अ पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर चैप्टर 14 इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफेंस कमिटेड विद इन सच लोकल एरिया. अब जब भी रिक्वायर्ड हो पुलिस ऑफिसर को कोई भी असिस्टेंस की, ठीक है, जो कि हमारे पास सेक्शन 1, जो सेक्शंस हमारे पास है 154 से लेकर 176 तक, जो पुलिस की ड्यूटीज़ है ना, जो पुलिस को पावर्स दिए गए हैं, इंफॉर्मेशन टू पुलिस एंड दियर
पावर्स टू इन्वेस्टिगेट, जब भी कोई ऑफेंस होता है तो पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है और पुलिस जो है उन पर इन्वेस्टिगेट करती है। अगर इनको लेकर अगर किसी भी किस्म की असिस्टेंस चाहिए तो जस्टिस ऑफ पीस उनको असिस्टेंस देंगे। रेंडर आर असिस्टेंस टू द पुलिस ऑफिसर मेकिंग सच एन इन्वेस्टिगेशन। अब जो भी पुलिस ऑफिसर ऐसी असिस्टेंस मांग रहा है किसी ऑफेंस को लेकर, गेट बंद करें, ठीक है, ऑफेंस को लेकर, तो फिर वो जस्टिस ऑफ पीस हर किस्म की वो असिस्टेंस इनको प्रोवाइड करेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है। और रिकॉर्ड एन स्टेटमेंट मेड अंडर एक्सपेक्टेशंस ऑफ डेथ बाय अ पर्सन इन एस रिस्पेक्ट ऑफ होम अ क्राइम इज बिलीव्ड टू हैव बीन कमिटेड। अब फॉर एग्जांपल आपने वो सुना होगा डाइंग डिक्लेरेशन सेक्शन, हमारे पास आर्टिकल 46 में आपने देखेंगे कानून शहादत में, तो फिर डाइंग डिक्लेरेशन है। अब यहाँ पर भी वो बात आ गई है हमारे पास C2 में, C2 के अंदर ये बात आ गई, अगर कोई बंदा मरने वाला है या फिर मर रहा है तो फिर अब पुलिस की जो गवाही है ना वो तो हमारे पास 161 की जो स्टेटमेंट है वो तो हमारे पास इनएडमिसिबल हो जाती है, ठीक है, इतनी एडमिसिबल नहीं होती, ना ही इतनी वो उसकी स्कोप होता है, वो क्रेडिबिलिटी इतनी नहीं रखता, तो फिर वो जस्टिस ऑफ पीस जो है ऑन द स्पॉट ऑन द एक्यूरेंस जाकर उस विक्टिम की जो है ना वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे। अब इनकी ड्यूटीज बताई गई है, एक हमारे पास अथॉरिटी है, ये अथॉरिटी आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है, 2013 PCRLJ पेज नंबर है 1177। ये आप पढ़ेंगे ना आपको मुकम्मल आपके उनके ड्यूटीज़ इनके पावर्स समझ में आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं एक्स ऑफिसो जस्टिस ऑफ पीस जो है ना, एक्स ऑफिसो जस्टिस ऑफ पीस इज़ नॉट सपोज टू अलो एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 22A and 22B इन अ मैकेनिकल मैनर एंड शुड अप्लाई हिज माइंड एज टू वेदर द एप्लीकेंट हैड अप्रोच द कोर्ट विथ क्लीन हैंड्स आर इट वॉज टेंटेड। अब जो विथ मेलाइस, अब जो अक्यूज्ड आया है और हमारे पास कंप्लेंट आया है, क्या उसकी इंटेंशन बोनाफाइड है या फिर मालाफाइड है, वो कोर्ट हमारे पास जस्टिस ऑफ पीस को देखना है, वो देखने के बाद ही वो हमारे पास अलो करेगा। इन पर भी अथॉरिटी आप देख लेना, 2013 PCRLJ पेज नंबर है इनका 813। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारे पास जस्टिस ऑफ पीस ने देखना है, बहुत बारीकी से देखना है कि कहीं ये मालाफाइड इंटेंशन से तो कंप्लेनेंट हमारे पास कंप्लेंट लेकर नहीं आया। उसके बाद हम देखते हैं कि ड्यूटीज़ क्या है, इसकी प्राइम ड्यूटी क्या है। प्राइम ड्यूटी ये है कि हमारे पास प्राइम ड्यूटी ऑफ कोर्ट इज़ टू एग्जामाइन ईच एंड एवरी केस माइन्यूटली तरीके से देखना है, बिल्कुल बारीकी से जांच पड़ताल करके देखना है, और फिर वो अपना माइंड लगाकर जो है वो उसके बाद ही जुडिशियल माइंड जो है अप्लाई करना है। उसके बाद जैसा कि जस्टिस ऑफ एंड्स ऑफ जस्टिस ऑफ जो हमारे पास एंड्स ऑफ जस्टिस हो तो फिर ऐसी सूरत हाल में वो अलो करें या फिर ऐसी एप्लीकेशन या फिर ऐसी पटिशन को डिसमिस करें। इन पर भी अथॉरिटी आप पढ़ लेना बहुत ही ध्यान से, 2014 हमारे पास MLD ये पेज नंबर है 1033, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद हम चले जाते हैं हमारे पास पेंडेंसी ऑफ सिविल लिटिगेशन। अब सिविल लिटिगेशन कहीं फाइल हो और उसके बाद या उससे पहले अगर कुछ ऐसा हुआ हो और उसका सिविल लिटिगेशन जहाँ पर 22B की अगर एप्लीकेशन होती है पटिशन, और वहाँ पर प्लेंट की कॉपी लेकर आ जाते हैं, सर हमारा तो सिविल लिटिगेशन चल रहा है, इन्होंने दुश्मनी की वजह से ये एप्लीकेशन मूव की है, हालांकि ऐसा नहीं है। अगर जो एक शर्त है कि जो सिविल सूट आपका चल रहा है ना वो ये FIR ये कंप्लेंट इनिशिएट होने से बाद में हुआ हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहीं SHO को एप्लीकेशन दी, क्या हमारे साथ ये हुआ है, ये एप्लीकेशन आपने SHO को दी किस डेट पर, हमारे पास पहली 2020 में, ठीक है उसके बाद आप चले आए सारा प्रोसीजर करके, फिर आप चले आए 30 जनवरी 2020 को कंप्लेंट करने,
मगर वहाँ पर एक सिविल सूट भी फाइल हो गया, कब फाइल हो गया 5/1/2020 में। क्या अब ये जो पटिशन है वो नॉट मेंटेनेबल है? नहीं, ये मेंटेनेबल है, क्योंकि इसकी एक बात मैं बता देता हूँ कि ये जो सूट फाइला है हुआ है ना, सूट सिविल सूट फाइल्ड प्रायर हमारे पास पटिशन या फिर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फाइल्ड प्रायर टू सिविल सूट, तो फिर ये एप्लीकेशन अलो होनी चाहिए, ये सिविल ग्राउंड्स पर एप्लीकेशन डिसमिस नहीं होनी चाहिए। इन पर अथॉरिटी है टू PLD 2012, पेज नंबर है लाहौर की अथॉरिटी है, पेज नंबर है 188। ठीक है, ये भी आपने बहुत ध्यान से देखना। अब जो FIA है ना, ये तो हो गया हमारे पास पुलिस स्टेशन, अब FIA में क्या स्टेटस है हमारे पास 22A का, 22 का स्टेटस क्या होगा? 22 का स्टेटस बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसा कि एक आम जो हमारे पास पुलिस पर हम हिदायत जारी करता है ना, SHO इस तरह ही, वो जस्टिस ऑफ पीस है, इस तरह ही FIA पर काम करेगा। इन पर अथॉरिटी आप देख लेना, FIA पर कौन सी अथॉरिटी है, PLD हमारे पास 2013 की अथॉरिटी है, इस्लामाबाद की है। ठीक है, 2013 की है, इस्लामाबाद की अथॉरिटी है ये, और पेज नंबर है इनका 26, सिर्फ 26 पेज नंबर है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। और अगर जस्टिस ऑफ पीस ऐसी एप्लीकेशन अलो कर लेता है, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल FIR जो रजिस्टर करवाने के लिए ए में वन में सिक्स 22A(6)(1) में या फिर 6(2) में कर ले कि एक ऑफिसर से दूसरे ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफ़र करवाई जाए लेंच में। ठीक है, और उसके बाद क्या है, और उसके बाद नंबर 3 में अगर ऐसी हो जाए जहां पर पुलिस अपने ड्यूटीज़ को क्या करे, निगलेक्ट करे या फिर एक्सेस उस पावर को इस्तेमाल करे, अगर वहां पर ऐसा कोई भी आर्डर किसी किस्म का हुआ है और अब पुलिस जो है उन पर अमल नहीं करती, तो फिर क्या होगा, आइए देख लेते हैं। उन पर एक अथॉरिटी है कि अगर ऐसा करता है पुलिस ऑफिसर तो फिर उन पर डिपार्टमेंटल जो है प्रोसीडिंग्स चलेगी, और ऐसी डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स के लिए हमारे पास जस्टिस ऑफ पीस जो है वो रिकमेंडेड कर सकते हैं। इन पर अथॉरिटी देख लेते हैं। ठीक है, अगर जस्टिस ऑफ पीस किसी चीज़ के लिए आर्डर कर देते हैं और उसके बाद पुलिस जो है उन पर ध्यान नहीं देती है, पुलिस फिर भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर क्या होगा, फिर हमारे पास उन पर जस्टिस ऑफ पीस जो है डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स के लिए रिकमेंड कर सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है, आई बात समझ? और इन पर 166 हमारे पास 161 PPC की प्रोसीडिंग्स होगी, और उन पर वो अफेंस इन पर जो है ये अफेंस उन पर लगेगा, 166 का जो है एक्ट इन पर अप्लाई होगा, सेक्शन 166 अप्लाई होगा इन पर, क्या है बे 166 PPC इन पर लगेगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है, उसके बाद चलते हैं। क्या ये जुडिशियल पावर रखता है जस्टिस ऑफ पीस? नहीं, ये जस्टिस ऑफ पीस जुडिशियल पावर्स नहीं रखते। आइए इन पर भी मैं आपको एक अथॉरिटी बता देता हूँ, PLD 2005 कराची की है ये, और पेज नंबर क्या है इनका, पेज नंबर इनका है 621। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है, अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो इसके बाद हम आगे चलेंगे। और इसके बाद ये सेक्शन हमारे पास कौन सा हो गया, ये सेक्शन हमारे पास हो गया 22B
बी हो गया। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसके अंदर 22B पढ़ रहे हैं तो फिर यहाँ पर एक छोटा सा सेक्शन हमारे पास आ रहा है, वो सेक्शंस हमारे पास 25 आ रहा है। अब यहाँ पर 23 और 24 जो है वो ओमिट कर दिए गए हैं, वो हमारे पास थे जस्टिस ऑफ द पीस फॉर द प्रेसिडेंसी टाउन्स। अब जो प्रेसिडेंसी टाउन्स थे उनके लिए जस्टिस ऑफ पीस थे, उनको ओमिट कर दिया गया है, उनको सीआरपीसी से निकाल दिया गया है। अब यहाँ पर हम 23 और 24 चले गए तो उसके बाद हम आ जाते हैं 25 पर। अब 25 में क्या बात करता है, एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ द पीस, इन पर थोड़ा सा हम देख लें कि ये बात क्या करता है। बाय वर्चू ऑफ दियर रिस्पेक्टिव ऑफिस, अब जो इनको जो सीट दी गई है, फॉर एग्जांपल सेशन जज है, तो सेशन जज जो है जो भी सेशन जज पर बैठा है, जिस जो भी सीट पर बैठा है, ठीक है, वो क्या है, बाय वर्चू ऑफ द सीट, जो उनको सीट जो पोजीशन दी गई है उन पोजीशन की वजह से ही उनको क्या बना दिया जा रहा है, जस्टिस ऑफ पीस बना दिया जा रहा है। द सेशन जज एंड ऑन नॉमिनेशन बाय देम, और उसका नॉमिनेशन कर दिया जाता है। द एडिशनल सेशन जज आर जस्टिस ऑफ द पीस विद इन एंड फॉर होल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द प्रोविंस इन विच दे आर सर्विंग, और जहाँ पर भी सेशन जज पूरे डिस्ट्रिक्ट में जहाँ जहाँ पर उसकी टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन आ रही है वहाँ पर पूरे मुकम्मल पर वो जस्टिस ऑफ पीस होगा, और उसके साथ जितने भी एडिशनल होंगे वो सब एडिशनल जज से वो भी जस्टिस ऑफ पीस कहलाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर है, अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो फिर इसके बाद हम आ जाएंगे 26 और 27 पर। अब हम 26 और 27 की बात करें तो ये भी हमारे पास क्या है, ओमिट कर दिए गए हैं। अब वो क्या कर दिए गए हैं ओमिट, वो किसके बारे में थे, सस्पेंशन एंड रिमूवल। अब सस्पेंशन एंड रिमूवल ऑफ जज्स एंड मैजिस्ट्रेट, अब जो जज्स जो भी मैजिस्ट्रेट थे उनको सस्पेंड करना, उनको निकाल देना, उनको रिमूव कर देना अपनी सीट से, उनके बारे में ये प्रोविजंस थे मगर वो डिलीट कर दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 3 को जाएंगे, सेक्शन हमारे पास है लेक्चर नंबर 11 में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 को, पावर्स ऑफ द कोर्ट। ठीक है, जो कि डील्स करते हैं 28 से लेकर हमारे पास कहां तक डील करते हैं, ये 41 तक, चैप्टर नंबर 3 ये पूरा हम डिस्कस करेंगे 11 लेक्चर के अंदर।